हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमपीटीएस अकेडमी। चलिए हम लोग पढ़ते हैं आज आगे का बाबा ज्ञान, जो कि आपका बेसिकली ग्रामर रूल होगा। चलिए देखते हैं आज का नया बाबा ज्ञान। देखिए, से सजेस्ट पर्पस सॉरी प्रपोज स्पीक रिप्लाई एक्सप्लेन कंप्लेन टॉक लिसन राइट आदि के बाद हमेशा टू प्रीपोजिशन यूज होता है। टू प्रीपोजिशन यूज होता है यदि इसके साथ भी कंडीशन है। टू प्रीपोजिशन यूज होता है कब, चलिए देखते हैं आगे कि कब होता है। यदि इसके बाद ऑब्जेक्ट के रूप में कोई व्यक्ति का प्रयोग हो ठीक है। देखिए, से सजेस्ट प्रपोज स्पीक रिप्लाई एक्सप्लेन कंप्लेन टॉक लिसन राइट आदि के बाद हमेशा टू प्रीपोजिशन का यूज होता है। ठीक है, टू प्रीपोजिशन का यूज होता है, लेकिन कब होता है? इसके साथ एक कंडीशन है, यदि इसके बाद ऑब्जेक्ट के रूप में एक व्यक्ति का प्रयोग हो, यानी कि आपका ऑब्जेक्ट जो हो वो कोई पर्सन होना चाहिए। ठीक है, पर्सन होना चाहिए। चलिए देखते हैं, इसको एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, ही डिड नॉट रिप्लाई टू मी यहां देखिए, ही डिड नॉट रिप्लाई टू मी। देखिए, रिप्लाई आपको यहां बताया गया है, रिप्लाई। इसके बाद अगर प्रीपोजिशन टू यूज हो रहा है, कब यूज होगा? जब आप इसके बाद जो है कोई व्यक्ति आपका ऑब्जेक्ट के रूप में, यहाँ देखिए मैं, यानी कि मुझे, उसने मुझे रिप्लाई नहीं दिया, यहाँ एक व्यक्ति है। ठीक है, तो व्यक्ति है, यहाँ है कि कोई व्यक्ति अगर हो तब उसके पहले आप प्रीपोजिशन टू लगाइए। तो देखिए यहाँ पे प्रीपोजिशन टू यूज हुआ है। ठीक है, तो ये है आज का बाबा ज्ञान। आई होप कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए यूजफुल होगा। मिलते हैं कल के क्लासेस में। थैंक यू।